दक्षिण कोरिया के प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी किया ने अपनी किया स्पोर्टेस की पांचवी पीढ़ी का ग्लोबल डेब्यू किया है। एसयूवी की एक नए आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है। पोर्टेस के लेटेस्ट जेनरेशन मॉडल को एक नए आर्किटेक्चर पर विकसित किया गया है और दावा किया गया है कि इसमें प्रीमियम इंटीरियर के साथ ड्राइवर केंद्रित डिजाइन दिया गया है, जो कि एक बड़े और घुमावदार डिस्प्ले द्वारा हाईलाइट किया गया है। यह इंटीग्रेटेड डिस्प्ले कई तरह से कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी के साथ आती है। ये 12 इंच बड़ा और इसमें एक पतला टचस्क्रीन पैड मिलता है और ये लेटेस्ट जेनरेशन की फुल पतली फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से लैस है। इसमें ऑडियो अपडेट होगा और इसमें वे शामिल हैं जो नेविगेशन के लिए चाहिए होता है। नए स्पोर्टेस के केबिन के अन्य अहम हाइलाइट्स में सॉफ्ट टच स्विच के साथ एक सेंटर कंसोल, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, अपहोल्डर और स्टोरेज शामिल है। इसमें वायरलेस फोन चार्जिंग के लिए भी जगह दी गई है। अब बात कर लेते हैं किया स्पोर्टेस का इंजन और पावर। नए स्पोर्टेस एसयूवी में 1.6 लीटर TGDI इंजन मिल सकता है। यह इंजन 177 bhp का पावर और 265 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा एक ज्यादा पावरफुल 2.0 लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलता है। यह इंजन 183 bhp का पावर और 416 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 1.6 लीटर TGDI इंजन के साथ 7 स्पीड डुअल क्लास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि R2.0 डीजल के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। स्पोर्टेस रेंज में हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड मॉडल भी होंगे। अब बात कर लेते हैं किया स्पोर्टेस का एक्सटीरियर और डिजाइन के बारे में। नए प्रीमियम 5 सीटर एसयूवी स्पोर्टेस में बिल्कुल नया डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ब्रांड की नई फ्लैगशिप EV6 इलेक्ट्रिक कार के स्टाइल का भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। किया की नई डिजाइन लैंग्वेज को ऑपोजिट्स यूनाइटेड कहा जाता है। यह नए स्पोर्टेस के एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स के तौर पर देखी जा सकती है। इसकी वजह से ही इस एसयूवी की लुक काफी एग्रेसिव और बेहतर डिजाइन कैरेक्टर वाला है। आपको बता दें कि नए स्पोर्टेस में 17, 18 या फिर 19 इंच के पहिए मिल सकते हैं, जो वेरिएंट्स और स्पेक पर निर्भर करती है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही कार से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।